हे फ्रेंड्स, अभी हम एप्पल के स्टोर से निकल गए हैं और हमने अभी एप्पल के आईफोन लिए हैं। अभी अंदर से दो वो आपको दिखाई दिए थे, और ये हमने एक और यहाँ से एप्पल का मैकबुक प्रो लिया है। कौन सा वर्जन था ये? मैकबुक प्रो 16 भाई ने लिया। हाँ, भाई ने लिया है मैकबुक प्रो 16 GB रैम है ना। आर्टिस्ट 1 TB के करीब है इसकी, और 32 GB रैम, 32 GB रैम मैकबुक प्रो 16 स्क्रीन है। हाई एंड मॉडल पोर्टलैंड से यहाँ से अभी हमने लिया, और ये हम निकल रहे हैं मॉल से, एप्पल स्टोर से। अभी 12 तारीख को जब नया फ़ोन लॉन्च होगा तो यहाँ पे लाइन लगी होगी। ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे बहुत तगड़ी लाइन लगी होगी उस दिन। तो चलिए, अब आपको आगे मिलता हूँ जाम अगली डेस्टिनेशन पे। हेलो दोस्तों, वहाँ से अभी हम निकल गए। ये पोर्टलैंड है, पोर्टलैंड के अंदर ये स्टेडियम है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग है, देशों के झंडे लगे हुए हैं यहाँ पे सामने, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, और ये सामने जो है, ये सामने एक फाउंटेन है। फाउंटेन देख रहे हैं आप, ये फाउंटेन लगा हुआ है, पार्क है ये कोई पार्क है ऐसे ही छोटा पार्क। ये भी अच्छा व्यू था, देख रहे हैं कितना पार्क है। अंदर कोई शिप भी खड़ी है, उसमें कोई पानी नदी है उसमें पीछे, और वहाँ शिप खड़ी है साइड में, एक शिप नद वो पार्क के साथ में नदी है। देखना है पापा। और ये सामने इधर वो है सब कुछ। चलिए फिर आपको और आगे दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, ये देखो सामने आपको लेफ्ट में दिख रहा है, वहाँ पे ये ट्रेन जा रही है, मालगाड़ी, डबल डेकर कंटेनर जो है पूरे डबल के ऊपर एक कंटेनर रख के मालगाड़ी का जा रहा है पूरा। वो बहुत ही लंबी मालगाड़ी है, बहुत पीछे से आ रही है ये। यहाँ पर 2-3 किलोमीटर लंबी मालगाड़ियाँ होती हैं। हाँ, बहुत लंबी, 2-3 किलोमीटर लंबी मालगाड़ियाँ। और ये हाईवे है जिस पे अभी हम जा रहे हैं, देख रहे हैं। यही दिखाने के लिए मैंने आपको फोन किया, आगे दिखाए आपको, फिर आगे मिलता हूँ और आपको आगे की जगह दिखाता हूँ। लोकोमोटिव ही होगा ये, हाँ इसमें वही होगा डीजल इंजन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक नहीं होगा। हाँ, ये तो दिख ही नहीं रहा, इसका एंड ही नहीं दिख रहा कि कहाँ पे, बहुत लंबी आगे चली गई है। हेलो, फिर आगे दिखाते हैं। और इसके साथ में पापा वही नहीं है, ये जो इलेक्ट्रिक वायर देख रहे हो, ये मेट्रो का स्टेशन ट्रेन ट्रैक भी है साथ में। ये ऊपर दर्शकों जो आपको वायर दिख रही है लेफ्ट में, साथ में इसमें मेट्रो ट्रेन भी चलती है साथ में। दर्शकों को दिखाना कि इसमें इंजन कौन सा, देख रहे हैं ना, आगे तक तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे ना, वो तो बहुत आगे निकल गई है। वो तो बहुत आगे है, 4-5 किलोमीटर लंबी है, इंजन तो दिखाई नहीं पाएंगे हम। चलिए दर्शकों, आगे मिलते हैं। ये देख रहे हो दोस्तों, ये सामने लेफ्ट में इंजन है, ये इलेक्ट्रिक इंजन, और इसमें अंदर 4-5 इंजन लगे हुए हैं, 4-5 इंजन लगे हुए थे। यही दिखाने के लिए मैंने आपको फटाफट ऑन किया। तो चलिए आगे चल के फिर आपको और दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, ये देखो सामने इधर से नीचे से ट्रेन चली गई और हम पुल के ऊपर चढ़ गए, और हम जा रहे हैं विस्टा पॉइंट। दर्शकों, आप लोगों के लिए हम ना बहुत पहाड़ियों के ऊपर जा रहे हैं, ताकि आप पहाड़ियों के ऊपर से व्यू दिखाएं शहर का। अगर ग्राउंड से ही दिखाया तो आप बोलोगे कि यार पोर्टलैंड देख के मजा नहीं आया। तो हम ना विस्टा पॉइंट, एक अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं पोर्टलैंड, तो विस्टा पॉइंट पे जाएं, ऊपर पूरे शहर का व्यू लें, बहुत ही अच्छा नजारा आएगा। इसके बाद हम वाटरफॉल भी दिखाने आपको लेके जाएंगे। अभी हम एक बहुत हिस्टोरिक साइट पे जा रहे हैं, आप पढ़ें उसके बारे में, विस्टा पॉइंट। ये नीचे से ट्रेन चली गई, फिर हम ऊंचाई पे आ गए, ये आगे रोड है ना, थोड़ी ऊंचाई पे जा रहे हैं आपको वो व्यू दिखाने दर्शकों। डेंजरस सी रोड है, तो थोड़ा संभल के चलना दर्शकों को। लेफ्ट में दिखाएं कि कितना सीनिक व्यू आ रहा है, वहाँ पे सीनिक व्यू, पानी है पूरा उधर, समुद्र, ध्यान से गुलाइए आगे, गुलाइए आप अपना। सापोली रोड भी दिखाएं दर्शकों को जरा मैप्स में, ये देखिए रोड कैसी है, और पीछे गाने चल रहे हैं, चोरी चोरी छुप छुप कर, दिल तो पागल है, लेगी लेगी। तो चलिए निकले, US में भी हम अपने इंडियन गाने सुन रहे हैं, देख लीजिए हमने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी, हम इंडियन हिंदी गाने सुन रहे हैं। चलिए, बहुत ही सुंदर नजारा है यहाँ पे सामने। दर्शकों जल्दी आ जाएं, बस दिन में आ जाएं, या रात में आप पहुंचेंगे तो ये जो रोड है बहुत सेफ रोड नहीं है रात में ड्राइविंग करने के लिए,
ट्रैवल ब्लॉगर, वी विल रिकमेंड यू दैट यू कम क्वाइट अर्ली इन द डे क्योंकि विजिट हियर, क्योंकि रोड पे ना लाइट्स नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है तो अंधेरा हो जाएगा और पैर है. लॉट ऑफ थिंग्स टू डू दर्शिपो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू कैन डू हियर. सो पैरो तो मारली. ये देखिए सामने, ये देखिए इधर पार्क. ये है कि हरियाली, नेचर बड़ा अच्छा है यहाँ का, है ना, व्यू बहुत अच्छे आते हैं. क्यों पापा? अगर आप सोच रहे हैं कि भाई स्टे कहाँ किया जाए, पोर्टलैंड डाउनटाउन में स्टे कीजिए. हयात रिगेंसी है, क्राउन प्लाजा होटल है, बट आई स्टिल डोंट रिकमेंड क्राउन प्लाजा. थोड़े कम ही लोगों को रिकमेंड करूँगा क्योंकि थोड़ा बहुत रिव्यूज देंगे. फाइव स्टार क्राउन प्लाजा भी अच्छा है. चलिए आगे दिखाता हूँ आपको और अच्छी अच्छी जगह. ये देखें दर्शकों, यहाँ पे पूरे फार्म से हैं. पीछे अभी सेब के भी बाग निकले. ये क्या है? ये बागों के बारे में तो पापा को ही नॉलेज है थोड़ी सी, पापा ही बता सकते हैं कुछ निकले तो. आगे पोर्टलैंड वुमेन्स फोरम है, सीनिक पॉइंट है. सीनिक पॉइंट लोगों ने ये सामने बीफ कुछ लगा हुआ था. ठीक है, घर कितने प्यारे हैं अपना, अलग से घर बड़े अच्छे हैं बने हुए यहाँ पे. चीकू भी शायद टाइप लगे हुए थे कुछ पीछे, पता नहीं क्या था, छोटे छोटे थे. यहाँ तो आगे कुछ इतना खास दिख नहीं रहा है. दिख रहा है कुछ बहुत अच्छी चीजें वैसे तो. ब्लूबेरी लगी हुई, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरीज हैं. उसके बाग भी थे पीछे. ये घर देखो, अच्छा घर था ये. हम विस्ता हाउस फॉल्स की तरफ जा रहे हैं, विस्ता हाउस की तरफ. ये दिखा रहा है ना हिस्टोरिक कोलंबिया हाईवे. अभी निकले हम इस तरफ, आगे तो पहाड़ी दिख रहे हैं, कुछ है नहीं देखने वाला. चलो फिर आगे मिलते. हेलो दोस्तों, ये सामने अभी हम पहुंच गए हैं. सामने हमारे है विस्ता हाउस, वो देख रहे हैं ये विस्ता हाउस. इसके अंदर हम जा रहे हैं और विस्ता हाउस में जाके व्यू दिखाएंगे आपको. क्राउन पॉइंट स्टेट साइनिक कॉरिडोर है ये. लोगों ने कारें वहाँ तक अपने कोने में लगा ली हैं, जगह घेर ली है पूरी, गाड़ियाँ ही लगा दी हैं. हमें उस तरफ हो जाना चाहिए और हम चलते हैं उधर और दिखाते हैं आपको उस तरफ जाके रोड के क्रॉस करके. पापा आ जाओ इधर, रोड क्रॉस करनी है. पापा इधर रोड क्रॉस कर लो. टोयोटा फोरनर और आपको आगे जाके दिखाते हैं नीचे का व्यू. वो देखिए सामने समुंदर नीचे. वो देखो व्यू, देखिए सामने देख रहे कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे. मनमोहक व्यू है बिल्कुल. हाँ चलिए, ये सामने देखिए ऊपर बिल्डिंग देखिए. ये सामने का व्यू देखिए, यहाँ पे हम फोटोज खींच लेते हैं थोड़ी, फिर दिखाते हैं. वो नीचे रोड दिख रही होगी, हाईवे. हम कितनी ऊंचाई पे, दिख रहा होगा आपको दर्शकों, वो हाईवे है और हम यहाँ पे सामने. चलिए और दिखाता हूँ आगे. हेलो दोस्तों, अभी हम ये विस्ता हाउस के अंदर जा रहे हैं. विस्ता हाउस 1917 में एस्टेब्लिश हुआ था ये. हाउस HOVSE विस्ता हाउस. चले इसके अंदर. ये कुछ ब्लोअर सा लगा रखा है, जिस बिल्डिंग की फ़ोटो है. वैसे काफ़ी आर्ट लगा रखी है, देख रहे हैं. और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखिए. ये देखिए, ये भी कुछ लगा रखा है, डेडिकेशन ऑफ विस्ता हाउस. डेडिकेशन ऑफ विस्ता हाउस ये सब लगा रखे हैं. म्यूजियम ही है कुछ सम का उसका. ऊपर चलें और आगे बढ़ें. लाइट्स थोड़ी कम है. फैंस लगा रखे हैं अंदर की, दम ना घुटे. ये गार्ड्स वॉल है,
ये कोई बेवरी आइटम में विस्ता हाउस का वो उनके मॉन्यूमेंट्स पड़े हैं, हिस्टोरिकल आइटम्स है ये पूरे। देख रहे हैं कॉफ़ी की स्मेल आ रही है क्योंकि एस्प्रेसो गिफ्ट शॉप है इधर, एस्प्रेसो इस तरफ, गिफ्ट शॉप इस तरफ। चले ये देखते रहिए आप साथ साथ में मेरे। देखिए यहाँ से देखो ऐसे फ्लाइट, ये मोटर चलती है ऐसे, पहले 1915 में हिस्टोरिक है ये, हिस्टोरिकल है 1915 का, 1919 है ये 1923 में ऐसे थे ये। अंदर गिफ्ट शॉप है तो चलिए अंदर देख के आते हैं और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलो दोस्तों नीचे से, तो अब हम दोस्तों अभी नीचे से तो हम ऊपर आ गए हैं, अब इसके अंदर चल रहे हैं जो आपको बाहर दिखाया था, ये देखो इसके अंदर चल रहे हैं आगे अंदर, और ये देख रहे हैं आप इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ से अभी हम ऊपर चलेंगे और ऊपर चल के आपको दिखाते हैं। चलिए ऊपर चलते हैं, चलती चलो देखो ऊपर आ गए। अब यहाँ पे यहाँ से व्यू पॉइंट दिखाएंगे, यहाँ से दिखाएं आपको, ये देखिए यहाँ से व्यू देखिए आप। अभी हम नीचे थे अब हम ऊपर आ गए, यहाँ से व्यू पॉइंट देखो और आगे चले, आगे से व्यू दिखाएं, चले और आगे कहीं जगह मिले तो देखो। यहाँ से व्यू देखो दोस्तों, इतना अच्छा व्यू आ रहा है, और कोई इंटरेस्टिंग चीज़ दिखती है आपको दिखाते हैं। चलिए तो दोस्तों अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, सामने आप देख रहे हो ये था विस्ता हाउस, यहाँ से हम निकल लिए हैं अभी, यहाँ से हम बस निकल रहे हैं और अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की ओर निकल रहे हैं। तो सामने आप देख रहे हैं ये विस्ता हाउस था, अब यहाँ से हम निकल के 19 कितने में 7 में, हाँ अब दूसरी डेस्टिनेशन की ओर निकलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे वहाँ पे। चलिए